स्वागत है आपका मिलर टाइम्स में। मैं आपके साथ रुखसार अहमद। यूपी के उन्नाव से एक पुलिस वाले की महिला के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया है, जहां बंगरमाऊ में तैनात हेड कांस्टेबल दीप सिंह पर रोजाना युवती से जबरन संबंध बनाने का आरोप है। दरअसल दीप सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो युवती ने तंग आकर बनाया और वायरल किया है। फिलहाल दीप सिंह को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है। सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां यूपी पुलिस ये कहती है कि वह 24 घंटे जनता की सेवा करती है, लेकिन वर्दी में महिला की इज्जत पर ही हमला करना कहां का इंसाफ है? क्या इस तरीके से यूपी पुलिस महिला को सुरक्षा देगी? बता दे, वीडियो वायरल होते ही पुलिस अधिकारी भी हरकत में आए हैं और जाँच पड़ताल करने के बाद आरोपित हेड कॉन्स्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सिपाही के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का भी आदेश दिया गया है। वीडियो वायरल होने से उन्नाव पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। सोमवार दोपहर सोशल मीडिया पर 9 सेकंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। इसमें एक महिला के साथ बंद कमरे में हेड कांस्टेबल दीप सिंह अश्लील हरकत करते नजर आ रहा है। दरअसल महिला ने तंग आकर इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है, ताकि वह पुलिस कर्मी की करतूतों को सबके सामने ला सके। वर्दी में ही अश्लील हरकत करते हेड कांस्टेबल का वीडियो अन्य अधिकारियों के साथ ही एसपी तक पहुंच गया। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने तत्काल प्रभाव से हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो करीब 2 साल पुराना है। उस समय हेड कांस्टेबल दीप सिंह गंगा घाट कोतवाली में तैनात था। कुछ माह बाद ही उसका तबादला बंगरमाऊ कोतवाली कर दिया गया था। इसके बाद यही वह अपनी नौकरी कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस वाले महकमे में हड़कंप मच गया है। अब विभागीय जांच के साथ ही पुलिस इस टीम में जुटी है कि वो महिला कहाँ है जिसका ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप हमारे इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।